दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। मध्य प्रदेश के रीवा में गांव की एक आदिवासी महिला की मौत का आरोप गांव के ही अन्नू अली पर लगा है। मृतका के परिजनों का कहना है कि विद्यावती को कुछ महीने पहले अन्नू बहला फुसलाकर ले गया था, जिसके बाद वो अन्नू के साथ रहने लगी और एक दिन विद्यावती की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में अन्नू के घर से बरामद हुई। अब परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पनवार थाना क्षेत्र स्थित शिवपुर गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर रहने वाले आदिवासी परिवार ने बेटी की हत्या करने का आरोप गांव के ही विशेष समुदाय के एक परिवार पर लगाया है। बीते दिनों 30 वर्षीय विद्यावती आदिवासी, जिसका विवाह पास के ही घुमन गांव में हुआ था, कुछ महीने पहले गांव का ही अन्नू अली बहला फुसला कर उसे अपने साथ भगा ले गया था। बीते दिनों विद्यावती की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के ही रहने वाले अन्नू अली के घर पर मिली थी। मृतका विद्यावती के परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी की हत्या अन्नू अली ने अपने घर वालों के साथ मिलकर की। परिजनों ने बताया कि विद्यावती के 7 वर्षीय बेटे ने ही नाना के घर पर जाकर अपनी माँ की मौत की जानकारी दी थी। उन्होंने मामले की जानकारी डायल 100 पुलिस को भी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई करके सभी के दस्तखत लिए और मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भी भिजवाया। वहीं बेटी की हत्या की आशंका लिए जब दूसरे दिन परिजन पनवार थाना पहुंचे तो पुलिस ने आवेदन की एक कॉपी अपने पास रखकर दूसरी कॉपी बिना दस्तखत के ही उन्हें वापस लौटा दी और उन्हें डांट कर वहां से भगा दिया। बेटी की हत्या के बाद स्थानीय पुलिस से आस खो चुके मृतका विद्यावती के परिजन अब रीवा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से न्याय पाने की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। परिजनों ने बताया कि हत्या की जानकारी लगते ही जब घटनास्थल पर वो पहुंचे तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। मृतका की भाभी का ये आरोप है कि शव को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि विद्यावती की बेरहमी से हत्या की गई है। परिजनों ने अन्नू अली और उसके घर वालों पर आरोप लगाया है कि पहले तो जामुन के पेड़ से उसकी बेटी के साथ अन्नू अली और उसके परिजनों ने मारपीट की और फिर घसीटते हुए अपने घर ले गए। बाद में गला घोटने का प्रयास किया और करंट लगाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं अब स्थानीय पुलिस से निराश मृतका विद्यावती के परिजन रीवा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। समस्या साहब यह है कि हमारी बिटिया का नींद तो होकर का नाम ले जामुन के पेड़ से मार के कड़ीराए के पेड़ लगे हैं तो अंदर करंट चुवाई कर दिए सब पिए कर दिए छीन माँ अटारी पटारी हाँ हो गया। फिर साहब इतने सब नंबर हम लगा तो आई तो सब नंबर हो गया पंचनामा हम नहीं जान रहे साहब ने लिखे ना पढ़े तो हम हूँ दस्तखत कर दिन तो हो गया। फिर लगे पोस्टमार्टम से लौटा के ले आए थे हमसे पूछिन कि लाज मिट्टी तुम लोगे तो हम कहना हम मिट्टी कहाँ करा हुआ इतने साल ला के अपन ये करे दे रहे हम अब हम बाल ना पाल। तो पुलिस से अपना फिर का मतलब पुलिस से कौन हुआ मतलब वो नहीं मिला अपना का सहानुभूति हमको हम रिपोर्ट करा गया हम बिहार में साहब हाँ तो हमका कुछ नहीं दिन आवेदन दहन एक प्रति आवेदन दहन तो एक प्रति हमारे आवेदन हमका लौटा दिन हमें दस्तखत नहीं करी कहीं वो आ जाएगी का नाम लीजिए पोस्टमार्टम की हाँ रिपोर्ट रिपोर्ट सब त्योहार मिली उली तो हम कहन की साहब हम जब रिपोर्ट कैसी कर तो नकल दी पोस्टमार्टम की बात है वो तो हमको मिलवे न करी वो तो अपने का मिली तो फिर साहब वो जो है हमको कुछ नहीं दीन भगा दीन ननद रही अपने कब जानकारी है ये हमें 12 बजे दिन जानकारी है के माध्यम जानकारी है वही के बच्चा आए के बताई से मौके वारदात में अपने गए रहे हाँ गए रहे तो का समझ में आवत है कि अपने के ननद हत्या भई कि आत्महत्या करी तो नहीं करी देखे हैं बहुत देख चुके हैं हत्या जो करे रहते अपने से तो खुद परिचय मिल जाने की लेकिन वह करे आ रहे अब ये के करंट से मारी सो के कुटकी दाग के मारी सो के रहे हैं उनकर जिले के रहे हैं वह मुसलमान है नाम मालूम है अन्नू कहा था वैसा धक्का कहा था मुसलमान के हम लोग ये नाम है नहीं जान पाए लेकिन जो देश में बगड़ा है अन्नू जान अच्छा हाँ दस्तखत नहीं से करवाएं लेकिन ये नहीं कहें कि हम काहे के बाद कराए थे या कराई पोस्टमार्टम की न कराई कुछ नहीं पूछे
हम तीन बार पूछे ने कि तेल कहे तजोची करे के नहीं बोले कि ये तेल कहे लगा ये सब करे पहले तो अपना का चाहिए तो प्रशासन से हम ये चाहिए थे कि जैसे जान जीव तो हमारे वापस ना लौटती लेकिन उन्होंने कुछ न कुछ हो।